Hi guys, welcome back to my channel. It is Study with Meenal. How are you? I hope you all are fine. और कैसे चल रही है आप सबकी preparation guys? I hope it was going awesome. Let me introduce myself. My name is Meenal Kochar. Guys, if you don't subscribe my channel, तो please जल्दी से जाके इसको subscribe कर लीजिएगा. नीचे से red color का button है, इसको grey कर दीजिएगा. और इसके पास एक bell icon है, जिसको press कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली videos की notification आपको मिल सके. गाइज, ये चैनल आपके UGC नेट की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा और JRF की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं गाइज, इसका हमने एक पार्ट प्रीवियस में भी कर चुके हैं. उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग देखा था, नीड्स देखी थी और बहुत सारी चीज़ें देखी थी. सो गाइज, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइज, आर यू एक्साइटेड? ओके, चलो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. गाइस, अगर आपने मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और लाइव सेशंस के आपको नोटिफिकेशंस मिल सके. आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने मोबाइल के ऐप स्टोर, और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपको आपके आईफोन के ऐप स्टोर पर जाके अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पे NTA नेट की कैटेगरी सर्च करनी है. वहाँ पे मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल शो होगी इस तरीके से, जिसको आपको जाके फॉलो करना है. अगर गाइज आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है UGC नेट एंड JRF अचीवर्स. वहाँ पे अभी हम लोग 241 मेंबर्स है टोटली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं. वहाँ पे आपको PDF लिंक्स और बहुत सारी अदर नोटिफिकेशंस है वो मिल सकती है. मैं बहुत दिल से चाहती हूँ आप मेरे टेलीग्राम और यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने. जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब पर मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. गाइज, हमने ट्रेनिंग देख लिया था. व्हाट इज़ ट्रेनिंग देखा था हमने, डेफिनेशंस देखी थी. ट्रेनिंग की डेफिनेशंस क्या होती है हम लोग एक ब्रीफ रिवीजन करते हुए चलेंगे. ट्रेनिंग इज द प्रोसेस विच अ मैन पावर इज अ फील फॉर अ पर्टिकुलर जॉब टू परफॉर्म इट वेरी वेल. मीन्स कोई काम को अच्छे से करने के लिए हम किसी को पहले ट्रेनिंग देते हैं, तो वो किस में आ जाएगी, ट्रेनिंग में. हम कर चुके, डेफिनेशंस हम देख चुके हैं, नीड देख चुके हैं. सो गाइज, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, मीन्स कितने टाइप्स की ट्रेनिंग होती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. चलो अब हम देखते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, मीन्स हमारे पास कितने टाइप्स की ट्रेनिंग है. हमारे पास 5 टाइप्स की ट्रेनिंग है. इंडक्शन ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग, प्रमोशनल ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग एंड इम्प्रूवमेंट अडेप्टिबिलिटी. आज हम इन 5 को ही डिस्कस करेंगे. पहले हम देखते हैं वट इज़ प्रमोशनल ट्रेनिंग. प्रमोशनल ट्रेनिंग क्या होती है. मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ फिलिंग someone of the vacancy through promotion in the existing employees. Means बहुत सारी organization ऐसी होती है वो कैसी policies adopt करती है, वो ऐसी policies adopt करती है जैसे कि promotion से ही जो मतलब खाली जो post है organization में, जैसे एक organization है यहाँ पे ना कोई post खाली, जैसे managing director की post खाली है, तो वो क्या करेंगे, directors पता नहीं वो किसी को प्रमोट कर देंगे और वो उसको ऊपर वाली पोस्ट में डाल देंगे. जैसे हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल होती है वही वाइस प्रिंसिपल बन जाती है इन फ्यूचर ऑन. तब तो हम लोग वो क्या देखते हैं, उनको प्रमोशन मिल जाता है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा प्रमोशनल ट्रेनिंग में. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय व्हेन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आर प्रमोटेड. जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है ना इन एन ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे आर रिक्वायर्ड टू बियर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उनको क्या होता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है फॉर इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए. सो गाइज, प्रमोशनल ट्रेनिंग में सिंपली क्या होता है, प्रमोशन किया जाता है, मींस इंक्रीमेंट किया जाता है और उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उस प्रमोशन के साथ साथ, तो वो किस में आएगा, प्रमोशनल ट्रेनिंग में आएगा. आई होप गाइड्स ये आपको समझ आ गया होगा. चलो मैं आगे बढ़ती हूँ. नाउ वी हैव इंडक्शन ट्रेनिंग. इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग रेफर्स टू इनिशियल ट्रेनिंग. इनिशियल ट्रेनिंग मीन्स जो स्टार्टिंग में दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल ट्रेनिंग. मीन्स जो स्टार्टिंग में दी जाए वो क्या हो गई, इनिशियल ट्रेनिंग. इनिशियल मीन्स
स्टार्ट, एट द स्टार्टिंग जो गिवन होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल ट्रेनिंग. सो इट इज़ प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, इट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू इंट्रोड्यूस द एम्प्लॉय टू द बिजनेस एंड द डिपार्टमेंट. मीन्स इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंट्रोड्यूस एम्प्लॉय टू बिजनेस एंड डिपार्टमेंट. मीन्स वेट अ सेकंड गाइस, मीन्स इसका बेसिक मोटिव क्या होता है इंडक्शन ट्रेनिंग का, टू इंट्रोड्यूस बिजनेस टू एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय टू बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस कराना. ये क्या होती है, पर्सनल मैनेजमेंट जैसे होता है कि जैसे फैमिलीज ऑफिस, जैसे हम लोग कैसे एक बॉन्ड बनाते हैं इंडक्शन का. मीन्स इनिशियली हम जैसे कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं ना, तो वो होता है. इसका जनरल आइडिया क्या होता है कि वो एक एम्प्लॉय है ना, इसका जनरल आइडिया ले सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो किसमें आएगा, इंडक्शन ट्रेनिंग. गाइज नाउ वी हैव जॉब ट्रेनिंग. जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जॉब ट्रेनिंग इज टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द वर्कर्स अबाउट द जॉब विच दे आर कंसर्न विथ, सो डेट देयर एफिशिएंसी एंड स्किल विद एनहेंस. मीन्स जॉब ट्रेनिंग क्या हो गई, जॉब ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग हो गई जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज द नॉलेज ऑफ वर्कर्स. मीन्स जिसमें वर्कर का नॉलेज इंक्रीज हो अबाउट दैट जॉब विथ विच दे आर कंसर्न. मीन्स जिससे कि वो कंसर्न हो, सो डैट उनकी एफिशिएंसी बढ़े, स्किल बढ़े. जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जो वर्कर्स लर्न करेक्ट मेथड ऑफ हैंडलिंग मशीन. जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा, जब मतलब एम्प्लॉय को क्या हो जाएगा, सही तरीका आ जाएगा मशीन को हैंडल करने का, इक्विपमेंट को हैंडल करने का, तो इसका रीज़न, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, अवॉइडिंग एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने कम हो जाएंगे, वेस्ट कम होगा, एक्सेट्रा चीज़ें किसमें आएगी, जॉब ट्रेनिंग में. नाउ वी हैव अ रिफ्रेशर ट्रेनिंग. रिफ्रेशर ट्रेनिंग किसे बोलेंगे, रिफ्रेशर, एट्स इज नेम सजेस्ट, मीन्स जो फ्रेशली आया हो, मतलब जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, नो एक्सपीरियंस. एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया है गाइज, वेट अ सेकेंड. हाँ एक मिनट, वेयर इज द पैन, शुड आई चेंज द कलर, ओके आई विल चेंज. नाउ वी हैव मीन्स रिफ्रेशर मीन्स टोटली, वेट गाइज, रिफ्रेशर मीन्स न्यू, जो न्यू हो और जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो वो किसमें आएगा, न्यू ट्रेनिंग. अब हम देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है. एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब उनको अपॉइंट किया जाता है, एम्प्लॉयज आर फॉर्मली ट्रेन्ड, एम्प्लॉयज को फॉर्मली ट्रेन किया जाता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम मैनी ऑफ द पीरियड ऑफ द इंस्ट्रक्शन मे बी फॉरगॉटन और सम ऑफ द मेथड्स ऑफ ऑल द मे बी हैव आउटडेटेड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. हेयर रिफ्रेशर ट्रेनिंग अरेंज फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू रिफ्रेश एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड नॉलेज. मीन्स इट सिंपली मीन्स, देखो इस पैराग्राफ में भी क्या बोला हुआ है कि जब हम किसी को एम्प्लॉय करते हैं, फॉर्मली ट्रेंड करते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ मैन ऑफ टाइम, मेन टाइम से मैनी ऑफ मैथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी फॉरगटन. मीन्स टाइम की कमी के कारण हम लोग क्या करते हैं, मैनी ऑफ इंस्ट्रक्शन मैथड्स को हम लोग भूल जाते हैं, तो उसमें से सम ऑफ द मैथड्स ऑफ देम मे बी बिकम आउटडेटेड. उसमें से कुछ मैथड्स पुराने हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. मीन्स टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से कुछ मैथड पुराने हो गए. जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग अकाउंटिंग बुक्स में करते थे, फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोग अकाउंटिंग किस में करने लगे, हमारे लैपीज में करने लगे, हमारे पीसीज में करने लगे अकाउंटिंग. तो वो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आया. मीन्स हैंड रिटन से हमारे पास बुक्स में, मतलब लैपटॉप्स में आ गए, बुक्स की जगह लैपटॉप्स में. अब हमको विद इन वन क्लिक हमारे पास कुछ भी चीज़ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले हमें उसके लिए वेट करना पड़ता था. हैंस रिफ्रेशर इट्स अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द स्किल्स एंड नॉलेज. मीन्स ये किस लिए की जाती है, उनके स्किल्स और नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए. गाइज नाउ वी हैव इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टिबिलिटी. मीन्स इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टिबिलिटी मीन्स कंटिन्यूस ट्रेनिंग स्टिमुलेट्स मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स. मीन्स कंटिन्यूस ट्रेनिंग अगर हम किसी को देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर. मीन्स उसके मेंटल डेवलपमेंट में चेंज आ जाएगा, माइंड सेट, एंड दे बिकम कीन टू लर्न अबाउट यू. वो एक्साइटेड हो जाएगा कुछ नई चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, तो किसमें आएगा, इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टिबिलिटी.
गाइस आज हमने कहाँ तक, आज हमने पांचों पॉइंट्स और पांच टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हमने डिस्कस किया है। वेट अ सेकंड गाइस, हमने पांचों चीज़ आज वो डिस्कस कर ली है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के। सो आज हमने किस किस को देखा, प्रमोशनल ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग, एडेप्टेबिलिटी का आज हमने डिस्कस किया है। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, इतना हमने डिस्कस कर चुके हैं। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है, आप कोई मेरे साथ टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस पर कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ आप मेरे को मेरी कमियाँ बताइए जिससे कि मेरे को पता चले मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते। गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और रेड कलर के बटन को ग्रे नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस गाइस, मैं बहुत प्लेज्ड हूँ कि आपने मेरे को ज्वाइन किया। गाइस ऐसे ही आप हंसते रहिए, हंसाते रहिए, पढ़ते रहिए और किसी को पढ़ाते रहिए। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है और अपने मम्मा पापा को अपने ऊपर प्राउड कराते रहिए। तब तक अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप डूइंग वेल एंड कीप लर्निंग।